यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर मोबाइल रिव्यू वीडियो। तो गाइस, आज से एक महीने पहले मैंने पोको एक्स फाइव 5G प्रो के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसपे लगभग 25,000 के समथिंग व्यूज़ आया था। बट लेकिन उसके मैंने इस फोन के बारे में कुछ अच्छे फीचर भी बताए थे, कुछ बेकार फीचर भी बताए थे। तो आज मैं इस फोन के बारे में बताना चाहूँ, क्या इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए। तो मैं इन कमेंटों के राय पर आपको बताऊँगा, बहुत सारे लोगों ने इन फोन को परचेज़ किया है, तो आज मैं आपको सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। तो चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर। गाइस, इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो या फिर इसको लेने की सोच रहे, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। इसके अंदर मैंने इस फोन के सारे फीचर्स के बारे में आपको एक बार रीड कराया है और मैंने आपको बताया। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस फोन के जो मेरे को कमेंट्स वगैरह आए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जवाब था कि मैंने बंदों से पूछा कि आप इसको लेना चाहते हो, तो बंदों ने बोला हाँ मैं इसको लेना चाहते हैं। और इस फोन की जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, काफ़ी मस्त परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। और ये फोन आपको लगभग 16,000 के समथिंग मिल जाएगा, 6/128 रैम वाला। बट लेकिन अगर आप 256 GB की ओर बढ़ते तो वो आपको 21,000-22,000 का मिलेगा, और भी मिलेगा बट लेकिन थोड़ा महंगा है। बट लेकिन आप अगर इसको कम से कम लेना चाहते हो तो आपको ये 16,500 रुपये का मिलेगा, वो भी ऑफलाइन के अंदर 6/128 GB वाला, ठीक है। वेरियंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये आती है, क्या ये फोन बेटर है या नहीं है। तो बस एक मंथ हो चुका है मुझे इसकी वीडियो बनाए हुए, बट लेकिन मेरे को जितने भी कमेंट आ रहे हैं सब अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि लोग इसकी सेंसिटिविटी भी आई है, फोन वाकई में अच्छा है। तो आप इस फोन के ऊपर जा सकते हो, काफ़ी अच्छा फोन है, बेटर फोन है, और फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है, रैम भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। और पोको की तरफ से तो परफॉर्मेंस की तो आप भूलो ही नहीं, पोको के जो फोन होता है वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है 7780 का जो भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और आप इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बार यही बोलूँ कि आप जाकर उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। एंड गाइस, अगर आप लोग इस फोन को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त फोन है। आप इसके अंदर आराम से फ्री फायर एंड लाइक पबजी भी प्ले कर सकते हो, और नॉट हीटिंग इशू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।